हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है थर्सडे एंड बच्चे स्कूल से आ गए थे। शाम के बज गए हैं 3:30 और हम लोग जा रहे हैं लुलु हाइपर मार्केट। तो बच्चों ने लंच कर लिया है घर में और हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग। तो लुलु हाइपर मार्केट मैं दो रीजंस के वजह से जाती हूँ। एक तो वो मेरे घर के काफ़ी करीब है और सेकेंड वहाँ पर इंडियन ग्रॉसरीज मिल जाती है। तो आज क्योंकि हस्बैंड ऑफिस में है तो हम आज भी टैक्सी करके जाएंगे ग्रॉसरी के लिए। तो टैक्सी हमें मिल चुकी है। तो लुलु हाइपर मार्केट हम पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने मेरे मोबाइल में उसका स्क्रीन गार्ड और कवर चेंज करवाया एंड छोटे से शॉप है वहाँ पर मोबाइल के लिए, तो वहाँ पर करवाया। एंड देन उसके बाद बच्चों को खानी थी आइसक्रीम। यूजुअली हम जब भी लुलु हाइपर मार्केट में आते हैं तो बच्चे आइसक्रीम या मिल्क शेक खाते ही हैं, तो इसीलिए उन्होंने भरत ने लिया मिल्क शेक और आदित्य ने लिया था किड्स कोन। तो अब हमारा आइसक्रीम लेके हो गया है और अब हम जा रहे हैं लुलु हाइपर मार्केट के फर्स्ट फ्लोर वाले सेक्शन में। तो जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पर मिलता है गारमेंट्स, कपड़े, जूते और होम डेकोर का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, ये सारा चीज़ ऊपर मिलता है। तो इसीलिए मैं यहाँ आ गई थी, मुझे ख़रीदना था शूज़। तो काफ़ी शूज़ ट्राई करने के बाद मैंने ये वाला शूज़ परचेस किया है। तो अभी आप एक झलक देख लीजिए, बाद में मैं अच्छे से दिखाऊँगी आपको। तो ये वाला शूज़ मैंने ख़रीदा अपने लिए। एंड देन बच्चों को लेना था जैकेट, लेकिन काफ़ी वैरायटी थी, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे और हमें ग्रॉसरी भी ख़रीदना था। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग फुर्सत में आएंगे कपड़े ख़रीदने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी है फ्रेंड्स, और होम डेकोर के बहुत सारा सामान है। लेकिन क्योंकि हम रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं एंड इसीलिए फिर मैं ज़्यादा कुछ सामान खरीदती नहीं हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है यहाँ से अपने घर, तो ज़्यादा सामान मैंने नहीं कलेक्ट करती हूँ। ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। जब आप आते हैं मॉल में तो आपको लगता है कि सारा कुछ ले लो। तो ये देखिए परफ्यूम्स भी है यहाँ पर। तो ये जो मॉल है काफ़ी बड़ा है, तो एक वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं अपने जब भी मैं विज़िट करूँगी इस मॉल से कुछ ना कुछ सेक्शन आपको दिखाती रहूँगी। एंड आदित्य ने दो छोटे छोटे बॉल्स खरीदे हैं रबर के। एंड अब हम नीचे जा रहे हैं अपना ग्रॉसरी ख़रीदने। तो ग्रॉसरी लिस्ट भी आज कुछ बड़ी नहीं है, क्योंकि राइस और आटा लेना था हमें, तो वो हमने ले लिया। 10 किलो आटा और 5 किलो चावल ख़रीद लिया, तो 15 किलो तो ऐसे ही वज़न हो गया था। तो हमने फिर यहाँ से मटन ले लिया कल के लिए एंड थोड़ा सा कीमा लिया, मटन कीमा, एंड फिर थोड़ा सा फिश लिया, 3-4 वैरायटी। तो क्योंकि हमारा जो घर है वो आप सब जानते हैं कि 3rd फ्लोर में, और सारा कुछ हैंड कैरी करना है, लिफ्ट नहीं है बिल्डिंग में। तो इसीलिए कुछ भी ख़रीदने आते हैं तो हमें बहुत सोचना पड़ता है कि भाई ख़रीद तो लिया, अब लेके कैसे जाएंगे। तो यही मसला है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने वेजिटेबल्स ख़रीद लिया। वेजिटेबल्स भी मैंने एक दो वैरायटी ख़रीदी है और ज़्यादा कुछ अभी परचेस नहीं करूँगी, क्योंकि उठाने का प्रॉब्लम है उसे। तो देखिए कितने अच्छे वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, लेकिन यही है कि मैं ख़रीद नहीं पा रही हूँ। तो क्योंकि आज हमें घर जाके चटनी बनाना है, डोसा बनाएंगे और कोकोनट चटनी, तो इसीलिए आदित्य कोकोनट ले रहे हैं। कोकोनट स्क्रिपिंग यहाँ पर एक सेक्शन है जहाँ आप कोकोनट तोड़ के उसे स्क्रिप करवा के ले सकते हैं। तो स्क्रिप करवाने से हमें घर में इजी हो जाएगा चटनी बनाने के लिए। तो इन द मीन टाइम हस्बैंड का कॉल आ गया था और हस्बैंड पूछ रहे थे आप लोगों का शॉपिंग हो गया कि नहीं। मैंने कहा हो गया, आप आ जाइए। तो अब फटाफट हम बिलिंग करवा रहे हैं। बिलिंग करवाने के बाद हमें घर जाना है। तो सारी चीज़ें रख रही हूँ यहाँ पर।
तो बस इतना ही सामान है, 2-3 बॉटल कॉफ़ी भी था इसमें। तो मैंने आपको अपना परचेस बता दिया है, एंड क्योंकि आज थर्सडे था तो सुबह से कुछ खाया नहीं था, भूख लग रही थी, तो मैंने भरत को कहा कि मुझे भी आइसक्रीम खाना है, तो भरत आइसक्रीम लेने गए थे एंड हस्बैंड आ गए हैं और सारा सामान हमने कैरेज में रख दिया और अब हम जा रहे हैं घर। तो बस आज का दिन भी ऐसे ही गुजर गया और गाड़ी में बैठने के बाद मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि अरे देखो मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं, जहाँ बुलाओ वहाँ आ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये सब सही नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमें बहुत बिजी रहते हैं, तो वो वीकडेज में लाइक उनका जब ऑफिस रहता है तो उनको कुछ भी बाहर का काम नहीं करते हैं वो, और वीकेंड में ठीक है, वीकेंड में बोल सकते हैं यहाँ से पिक कर लो, यहाँ जाना है तो वो जाते हैं, लेकिन जब ऑफिस होता है तो हमारा एकदम स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स होता है। तो ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। तो ये जो सॉक्स मैं अपने हस्बैंड के लिए लेके आई थी वो मैंने उनको दे दिए, एंड आपको अब मैं ओपन करके दिखाऊंगी अपना शूज़, और हस्बैंड को भी दिखा रही हूँ कि मैंने ये वाला शूज़ परचेस किया है। तो हस्बैंड कह रहे थे सब कुछ दिखाना ज़रूरी है वीडियो में, ऐसे मैंने कहा ठीक है दिखा देती हूँ अपने फ्रेंड्स को, आप लोगों के साथ ही तो शेयर कर सकती हूँ मैं। तो ये वाला शूज़ है देखिए जो मैंने ख़रीदा, आपको मेरे शूज़ कैसे लगे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर हस्बैंड चेंज कर रहे हैं और टाइम हो गया है 7:15, तो खाना भी बनाना है, तो मैं किचन में आ गई। मैंने कहा आदित्य आज थोड़ा काम कर लो और जल्दी जल्दी सारा सामान खाली कर लो, तो कभी कभी बच्चे मूड में होते हैं तो काम कर भी देते हैं। तो देखिए कैसे फटाफट सामान रख रहे हैं, और कह रहे आदित्य मुझे कह रहे थे जब मैं सामान रखूँगा तो सारा कुछ मेरा वीडियो में दिखाना, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि हर चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप रखो और वीडियो में अपने आप शूट हो जाएगा कि आदित्य भी काम करते हैं घर में। तो सारे ग्रीन वेजिटेबल्स नीचे वाले सेक्शन में रख दिया, नॉन वेज ऊपर वाले सेक्शन में। ये जो आदित्य ने बैग अभी रखा था उसमें है कुछ दवाइयाँ, जैसे कि अब ठंड है तो फिर हमने कफ सिरप, वेक्स, फुट क्रीम, पैनाडॉल, फीवर का दवाई, ये सारा लाके रख दिया है घर में। तो डोसा का आटा 4 पैकेट लेके आई थी, वो भी फ्रिज में चला गया, क्योंकि वीकेंड है तो जल्दी जल्दी डोसा बनाने में इजी हो जाता है। गार्लिक ब्रेड लेके आई थी मैंने, वो भी मैंने रख दिया, और अब मैं यहाँ डिनर बना रही हूँ। तो डिनर में आज है डोसा और कोकोनट चटनी। तो फ्रेंड्स 7:30 बज चुके थे, डोसा भी रेडी था, चटनी भी रेडी था, तो अब हम अपना डिनर कर रहे थे और साथ में टीवी भी देख रहे थे। एंड एक चीज़ अच्छा है मेरे फैमिली में कि कुछ भी बना के दो वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं खाने की, तो ये मुझे मेरे फैमिली में अच्छा लगता है, तो सब इंजॉय करके खाते हैं। तो खाना खा के टीवी देखा हमने एंड टाइम हो गए 11:00। तो 11:00 भरत खाना खाने के बाद पढ़ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि चलो आज किचन में बैठ के पढ़ो, तब तक मैं अपना बर्तन भी माँज लेती हूँ, क्योंकि कल है फ्राइडे, हस्बैंड जल्दी आएंगे ऑफिस से और कल नॉनवेज भी बनाना है, तो इसीलिए भरत बैठ के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। बर्तन धोने के बाद मैंने थोड़े थोड़े रूम्स क्लीन कर लिए सारे, लाइक झाड़ू पोछा भी कर लिया, क्योंकि वीकेंड में ज़्यादा काम हो नहीं पाता है, सारे लोग घर में ही रहते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग कर लिया था। एंड बर्तन धुल चुके हैं, किचन क्लीन है, बाकी के रूम्स भी क्लीन है, वो मैंने वीडियो में नहीं शूट किया। इतना सब काम करते करते हमें 12:00 बज गए थे सोने के लिए।
तो अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। और जिन फ्रेंड्स ने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। एंड प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करने से मुझे पता चलता है मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ वो कैसा लग रहा है आप लोगों को। अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है तो आप कमेंट करके इम्प्रूवमेंट क्या कर सकती हूँ आप बताइए मुझे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ आज का दिन थर्सडे का दिन ऐसे ही फिनिश हो गया और कल का इंतज़ार है फ्राइडे का, देखते हैं फ्राइडे में क्या नया एक्साइटमेंट आता है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।